सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में, और मैं पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि 21 तक क्लास नहीं होगा, ठीक है, 21 तक क्लास नहीं होगा। जो भी करेंट अफेयर आता था, वीडियो आता था, वो नहीं आएगा। उसका रीजन ये है, मैं पहले भी आपको जब लाइव आया था तो मैं बता चुका था, हालांकि लाइव वाला वीडियो मैं डिलीट कर दिया हूं अपने पेज से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल मैं कल बाहर जा रहा हूं, तो 6 दिन के लिए मैं क्लास नहीं दूंगा, और आपका जो जो प्रॉब्लम था 23rd से वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया पीडीएफ दीजिए करंट अफेयर का, या फिर आपके वेबसाइट पर क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, डबल फिलर नहीं आ रहा है, या फिर न्यू आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, और जो आपने बोला था कि टेस्ट सीरीज आएगा वो भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं कि 23rd जुलाई से हमारे वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, और 15 यानी कि कल से 22 तक कोई वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके रीजन ये है, क्योंकि मैं कल देवघर जा रहा हूं, जो बच्चे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि देवघर कहां पड़ता है। तो मैं क्लियर कर दूं कि 2015 से 22 तक हमारा कोई वीडियो नहीं आने वाला है, और जो भी प्रॉब्लम था पीडीएफ का, आर्टिकल का, क्लोज टेस्ट का, डबल फिलर का, टेस्ट सीरीज का, सब कुछ अवेलेबल रहेगा हमारे वेबसाइट पर सक्सेस की, आपको पता होगा successki98.in, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सर्व कर रहे हैं क्या successki98.com, मैंने वो वेबसाइट अभी बंद रखा है। सो आप successki98.in पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, लेकिन कब से, 23rd से, और उस दिन से वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली मेरा सारा का सारा फोकस कहां रहेगा, डीआई पे, पजल पे। और जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपका पार्ट टू वाला वीडियो नहीं आया, लॉजिकल रीजनिंग वाला, क्योंकि आप पार्ट टू में बोले थे कि पार्ट टू का भी वीडियो आएगा, तो पार्ट टू वाला वीडियो भी 23rd के बाद आएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मैं फुल एक्टिव रहूंगा, ठीक है ना, 23rd से, यानी कि 23rd आपका डेट पड़ रहा है संडे, संडे से मैं एक्टिव रहूंगा 23rd से। इस बीच 7 दिन मेरा एक भी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको दर्शन भी करा दूंगा और लाइव भी आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट्स देंगे तो, कि भैया मुझे भी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लाइव भी आऊंगा देवघर से, ठीक है, आऊंगा ही आऊंगा, मैं वहां से लाइव आऊंगा, आप लोगों को भी दर्शन करवा दूंगा। सो ठीक है, तो यही बोला था 23rd से पहले मेरा वीडियो नहीं आएगा, और प्लीज आप लोग थोड़ा भी मायूस मत होना, और मैं तो बोल चुका हूं ना कि आप लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। अब आप, मैं पहले भी बोला हूं कि 40 स्पीड टेस्ट तो देकर ही जाना है एग्जाम देने, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रिलेटेड टू मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर तो आप हटा दीजिए, क्योंकि प्री के एग्जाम के लिए वो सब अवेलेबल नहीं होगा, या फिर जरूरी भी नहीं है। तो आप ये 3 टॉपिक आप कम से कम स्पीड टेस्ट में अपने आप को जज कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूं कि इस धरती पर कोई बंदा नहीं है जो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर अपने आप को जज कर सके, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप को जज ही करना है तो आप कहां करो, स्पीड टेस्ट में करो, ठीक है, स्पीड टेस्ट में अपने आप को जज करो। लेकिन बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया स्पीड टेस्ट देने में नंबर मेरे नहीं उठ पा रहे, 30-35 रह जा रहे हैं। देखो अभी मैं महिंद्रा वाले की बात करूं, ऑली बोर्ड, कैरियर पावर, या फिर ग्रेड अप, मैं किसी की भी बात करूं ना, सबने अपने स्टैंडर्ड बहुत इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्कोर 35-40 हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन नंबर कितने भी उठते हैं ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपको स्पीड टेस्ट देने के बाद अगर आपकी स्पीड टेस्ट में 20 नंबर भी आते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आपको करना क्या है, देखो आजकल कोई भी स्पीड टेस्ट दो, किसी का भी एसटी दो, आप देखोगे प्री के एग्जाम में कम से कम आपको 4 पजल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% किसी का भी स्पीड टेस्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है, कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है ना तो सोचता है ना मुझे ये टॉपिक करना है, वो करना है, एग्जाम से पहले उसकी स्ट्रेटेजी होती है ना। लेकिन कोई भी बंदा अगर वो सोच रहा है कि मुझे 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो कोई भी आउट ऑफ 50 वो अटेम्प्ट कर नहीं पाता है। कितना करता है, 40, 45,
35, 30 इतने ही अटेम्प्ट कर पाता है। जितना भी वो स्ट्रेटेजी बनाता है एग्जाम के लिए ना, उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो देखो एग्जाम में आपके पास तो टाइम एक ही है ना, इसलिए मैं क्या बोला हूं, जो भी अपने आप को जज करना है स्पीड टेस्ट में कर दो। और चार पजल तो आपके हर स्पीड टेस्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्पीड टेस्ट देने के बाद पेपर को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो देखो आप कितना भी स्पीड टेस्ट में स्कोर करो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप स्पीड टेस्ट देने के बाद पेपर एनालाइज करते हैं ना, तो आपको कम से कम वो चार पजल, देखो चार पजल में आप एक बनाते हो या दो बना लेते हो, बाकी दो तो लेफ्ट रह गए ना, तो आपको उसको भी एनालाइज करना है कि वो बना क्यों नहीं। और एक बात मैं बोल दूं, देखो आईबीपीएस का सिलेबस तो बहुत लंबा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे सारे सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे तभी मेरा एग्जाम निकलेगा। मैं तो इससे पहले भी स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बता ही चुका हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बार एग्जाम के लिए। देखो मैं कुछ टॉपिक लिखवा भी दिया था, आप स्ट्रेटजी वाले वीडियो सर्च कर लेना हमारे चैनल के ऊपर, तो आप देखना मैंने कुछ टॉपिक ही लिखवाए हैं रीजनिंग से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड, लेकिन चार पांच टॉपिक ही लिखवाए। कहने का मतलब है अगर उस चार पांच टॉपिक से कहीं भी सम आ जाए तो एट एनी हाउ आपको वो करने ही करने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया देखो सिलॉक्स वाले तो पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गए। देखो अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हुई है, मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। देखो सिलॉक्स के पैटर्न कितने आ रहे हैं, देखो एक पैटर्न तो सारे बच्चों को पता है कि न्यू पैटर्न क्या आ रहे हैं, रिवर्स वाले, ठीक है, न्यू पैटर्न वाले आ रहे हैं रिवर्स वाले। लेकिन देखो इसके अलावा भी दो पैटर्न और ट्रेंड कर रहे हैं, वो क्या क्या, एक तो मैं वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूं कि आपके पास सात स्टेटमेंट रहने वाले हैं और ऐसा ऑप्शन आपके पास पांच रहेंगे और 1 2 3 4 2 1 1 2 4 ऐसे करकर आपके पास पांच ऑप्शन रहेंगे और आपको बताना है कि लॉजिकली कौन सा करेक्ट है। अब आप बोलोगे भैया नंबर टू और नंबर थर्ड वाले ऑप्शन तो मोर और लेस क्या सिमिलर नजर आ रहे हैं, 4 2 1 1 2 4। मैंने क्या बोला, सिस्टमेटिक मतलब कंटिन्यू किसके लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो ये सेकंड टाइप पैटर्न हो गया, ये फर्स्ट जो सारे बच्चों को पता है, एक पैटर्न और ट्रेंड कर रहा है बहुत ज्यादा आजकल के सारे स्पीड टेस्ट में, वो थर्ड पैटर्न क्या है सिलॉक्स को लेकर, वो है आपके पास आपको बोल देगा वो सेम और मोर और लेस सेम है ब्लड रिलेशन और क्या वो जो आते थे आपको इनइक्वालिटी ना, मोर और लेस सिमिलर है। जैसे आपको अगर बोलता है ए इज ऑल ए इज बी, आपको बोलेगा ऑल ए इज बी और आपको सिंबल क्या करेगा, आपको बोलना है कि इस चीज को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है, तो आपका जो भी होगा वो बोल देगा ये। सपोज करो नेक्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि सम ए इज बी और इसको रिप्रेजेंट क्या करेगा, डॉलर का साइन, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास ऐसा स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में आपको सिंबल दिया रहेगा, ठीक है, सिंबल दिए रहेंगे 500 और उस चीज को आपको क्लैरिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हालांकि ये वीडियो मैंने बनाया नहीं है तो मैं बहुत जल्द 23rd के बाद करवा दूंगा, लेकिन नंबर टू वाले जो ट्रेंड वीडियो कर रहे हैं सिलॉक्स वाले, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, और ये वाले तो मैं 2-3 क्लास करवा चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सिलॉक्स का पैटर्न और सिलॉक्स का टॉपिक कंसेप्ट अगर बच्चों के तरह पानी के तरह क्लियर है, फिर तो कितने भी पैटर्न इंक्रीज हो जाए आपको डाउट मतलब माइंड में होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया कोडिंग डिकोडिंग का लफड़ा क्या है। देखो मैं बार बार बोल चुका हूं कि आपको ये टॉपिक नहीं करना है। कल ही एक बच्चा का कॉमेंट्स आया था, बहुत सारे बच्चे मुझसे एग्री थे, लेकिन कल उस बच्चा का पहला कॉमेंट्स मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि भैया ये बहुत ईजी है। देखो मैं हालांकि मैं कमेंट्स में बहुत देर तक समझा नहीं पाया उसको, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं अगर मैं एग्जामिनर को भी अगर एक क्वेश्चन दूं ना, तो वो एग्जामिनर भी वो क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएगा। न्यू पैटर्न वाले कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो अगर मैं बोलता हूं सक्सेस की 98, अगर मैं बात करूं सक्सेस की 98, अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ एग्जाम में सक्सेस की 98 और आपको कोड दिया गया, देखो इसके कोड तो अनलिमिटेड बन सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है इसके कोड एक ही हो, ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि
एंड से जो वाई का पोजीशन है अल्फाबेट में, वाई का पोजीशन क्या है, वाई एक्स वाई जेड, दैट मींस एक्स वाई जेड 25th नंबर पर लास्ट से 25th नंबर इनटू 3 पर, फिर आपका ये कुछ भी कोड बन सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं एट अ टाइम एग्जाम टाइम पर पॉसिबल नहीं है कि इसको कोई भी क्रैक कर पाए। हो सके आप क्रैक कर दो अगर इजी आया तो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो, ठीक है। तो इस चीज को आपको इंक्रीज करना है। और हालांकि मैं सब कुछ मेंशन कर दिया उस स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में, सो आप लोग एक बार जाकर देख लेना। और जितने भी आपके डाउट है पीडीएफ को लेकर, वेबसाइट को लेकर, वो 23rd को सॉल्व हो जाएगा 110%, ठीक है। बस 7 दिन हमारा वीडियो नहीं आएगा, मैं बोल ही चुका हूं, कल मैं जा रहा हूं देवघर, वहां से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।